many many happy returns of the day mr arvind thanks a lot हाँ तब तो बर्थडे पार्टी कहाँ पर कैसे रखी ये भी बता दो वैसे सब कुछ नहीं है राहुल हर एक साल बर्थडे केक और शो शराबा शराब मिलाकर कॉकटेल पार्टी इन सब में मजा नहीं है इस साल का बर्थडे चुपचाप मनाएंगे सभी कामों को छोड़कर निशा के साथ गुजारूंगा ऐसा उससे वादा किया है तो ये बात है हम सबको छोड़कर पति पत्नी दोनों अकेले मिलकर बर्थडे पार्टी का जश्न मनाएंगे ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी भी पार्टी होगी मगर आज नहीं खैर वो सब बाद में सोचेंगे सोचने की बात नहीं है लेट्स कंफर्म सर शहर के बाहर वाले ब्रिज के लिए आज टेंडर पास करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में फोन कर देंगे तो उन सब के बारे में इन्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं इनकी पत्नी मंत्री साहब की पीए है कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा ये सब ये अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या बोल रहे हो निशा आजकल काफी बिजी है मुझे उससे मिले आज पूरे चार दिन हो गए हैं क्यों किस लिए भूल गए क्या मंत्री रविशंकर आज दिल्ली जा रहे हैं आपका इस तरह अचानक दिल्ली जाने का कारण हमारे राज्य की जनता पीने के पानी के लिए परेशान है उसी के समाधान के लिए जा रहा ये तो पुराना मुद्दा कोई नया मुद्दा तुम्हारे कहने का मतलब ये मुद्दा व्यर्थ है ठीक है वैसे इस समस्या का समाधान क्या है मैं सबके सामने आवाज उठाऊंगा इसलिए मेरी बात का वहाँ अच्छा असर पड़ेगा इनको जवाब देता रहूंगा तो हो गया काम काफी झूठ बोलकर संभालना पड़ता है चमड़े की जबान है अगर फिसल गई तो बस अगले दिन वही न्यूज़पेपर की हेडलाइन में छपी होगी हे भगवान प्रेस वालों से दूर ही रखना निशा मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं निकली नहीं सर राजनीति में आने के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए रात दिन लोगों के घर में जाकर वोटों के लिए भीख मांगी ये सब इन लोगों से क्या बता सकते हैं छोड़ो हेलो हैप्पी बर्थडे डियर ये तुमने क्या किया निशा आज सुबह उठते ही मैंने सोचा तुम मुझे मुबारकबाद दोगी लेकिन तुम्हें देखना ही दुर्लभ है आई एम सॉरी अरविंद मेरा काम तो तुम जानती हो रविशंकर जी अभी अभी दिल्ली के लिए निकले हैं इसीलिए आज बहुत सारा काम था और फिर सुबह तुम्हें जगाना चाहा पर तुम गहरी नींद में थे महाराज जी सो रहे हैं सोचकर जगाया नहीं और निकल आई अच्छा खैर उस ब्रिज के टेंडर के विषय में तुमने मंत्री जी से बात की या नहीं तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो अभी बात करती हूँ ठीक है स्वीट हार्ट क्योंकि वो नारायण इस टेंडर को पाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ा है अगर हमसे उसका काम नहीं हुआ तो मैं बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा डार्लिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा ओके बर्थडे के दिन मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो अब कही ना तुमने कोई बात तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना वैसे तो गिफ्ट बर्थडे बॉय को दिया जाता है ना मैं भी तो बर्थडे बॉय की वाइफ हूँ ना हाँ, वो तो तुम हो ही तो बर्थडे बॉय की वाइफ को मैं एक बढ़िया सा तोहफा दूंगा ओके तो ठीक है मैं शाम को जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी बाय अरविंद बेटी की तस्वीर खिंचाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या बेटी की जिद है कि वो इसी स्टूडियो में आकर फोटो खिंचाएगी अपने साहब को बुलाओ ना बेटी की तस्वीर खींचनी है किस लिए मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली है मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के लिए इच्छा तो बहुत अच्छी है लेकिन इसका फोटो अगर हमारे साहब खींचेंगे तो काफी खर्च होगा हाँ अरे जितना खर्च होगा मैं उठाऊंगी मेरी बेटी की इच्छा के लिए ये क्या फिर पैसों से नहीं होगा साहब को जो चाहिए वो भी देना होगा क्या बोला तूने मेरी लाडली I want you. Nonsense. इस गांव में रहता है या नहीं मैं तुझे ढूंढने यहाँ कितनी बार आया हूँ कुछ पता है गुस्सा मत होइए सर बैठिए ना मैं यहाँ बैठने बैठने के लिए नहीं आया हूँ मुझसे जो उधार पैसे लिए हैं वो कब वापस दोगे बस दो तीन हफ्तों में ही मेरा नया स्टूडियो खुल जाएगा इस स्टूडियो में कोई खास बिजनेस नहीं है इसलिए कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है नया स्टूडियो एक बार खुल जाएगा तो कुछ ही दिनों में मैं बिजनेस जमा लूंगा तब तक आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए तुमने मेरे सामने इस तरह के कितने बहाने बनाए तुम्हें कुछ याद है उसके बाद कोई मोहलत नहीं मांगूंगा कुछ भी करके दो तीन हफ्तों में मैं पैसे लौटा दूंगा ये तुम्हारे लिए आखिरी मोहलत होगी इस बर्थडे बॉय की तरफ से बीवी के लिए तोहफा खोल के दे वाओ इट्स ब्यूटीफुल न
मैं खुद तुम्हारे गले में पहनाऊंगा, तभी इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी। इट्स फैंटास्टिक। अब मैं तुझे एक तोहफा देने वाली हूँ। अपनी आंखें बंद करो। बंद करो ना। क्या है? तुम्हारे जन्मदिन का एक खास तोहफा। उस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हारी कंपनी को ही मिलेगा। You are so sweet, my dear. हेलो, कौन? हेलो, कहाँ हो? क्यों, किस लिए? क्या कहा, किस लिए? आज आपका जन्मदिन है ना, मैंने मंदिर में जाके आपके नाम की अर्चना की है। उसके बाद घर में मिठाई वगैरह बना के आपका इंतजार भी किया, आपने फोन तक नहीं किया। जन्मदिन के दिन मुबारकबाद देने की कितनी इच्छा है जानते हो? इन सब की अभी क्या जरूरत है, मैं अभी बिजी हूँ। आपका बिजी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो पास में ही है ना, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हो। एक बात ध्यान से सुनो। किसका फोन है? अगर सरियों में जंग लग गया तो पिलरों में दरार पड़ जाएगी, इसलिए अभी इसी वक्त में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कल फोन करता हूँ। कौन था? साइड से फोन था। वहाँ एक पागल मिस्त्री है, किसी को चैन से नहीं जीने देता। आज मेरा जन्मदिन है, सोचा कुछ समय बीवी के साथ गुजारूं, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। इडियट। लो, मैंने सेल ही ऑफ कर दिया, अब पूरी रात हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। मंत्री रविशंकर आज अपने राज्य की पानी की समस्या लोकसभा में रखने वाले हैं, और वर्ल्ड कप में भारत सुपर 6 में पहुंचा। इसके बारे में जब हमारे संवाददाता ने साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तान, ये तो निशा है। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर कुछ दिन और इंतजार कर लो मेरी खातिर। क्या आप जानते हैं, कल रात मैं एक पल भी नहीं सोई, आप मेरे दिलो दिमाग पर थे, बस आपका इंतजार था, सोचा आप किसी भी वक्त मेरे पास जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है इंदु, तुम्हारे फोन करने पर मैं वाकई परेशान हो गया था। कुछ दिनों से निशा का व्यवहार भी काफी बदल सा गया है, मुझे नजदीक पाना चाहती है, ऐसे में मैं अपना बर्थडे भी किस तरह मनाता, इसीलिए इस बर्थडे पर मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। कल वो ऑफिस से जल्दी आ गई थी, सोने तक उसने मुझे अपने से अलग नहीं किया, इसी बीच तुम्हारा फोन आया। बोलो, मैं और क्या करता? इंदु, मैं तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें, तुम भी गलत सोचोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। I'm sorry, I'm really sorry. आप नहीं आए इसीलिए मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। कोई बात सर, मुझे निशा से मिलना है। ये क्या मिस्टर, इस तरह बिना रेस्पेक्ट के, आज मैडम बिजी हैं, आप नहीं मिल सकते। आई एम सॉरी, मैं आपकी मैडम का पुराना दोस्त हूँ, मेरा नाम मदन है, मैडम का कॉलेज मेट, वो पहचान जाएंगे। मैडम, कोई मिस्टर मदन आपसे मिलने के लिए आए हैं, बोल रहे हैं कि वो आपके कॉलेज के दोस्त हैं। जी अच्छा, ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। हाय निशा। ए मदन, व्हाट अ सरप्राइज, जानते हो कितने सालों के बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। यस निशा, सही कहो तो पूरे 3 साल 6 महीने और फिर 24 दिन। तुम अभी भी नहीं बदले, अभी तक तुम्हारी पुरानी आदत तुम्हारे पास से नहीं गई ना। आदत नहीं, हकीकत है। अच्छा ये बताओ, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? फोटोग्राफी मेरी वीकनेस है, ये तो जानती हो ना, दिलीप बनर्जी की तरह, राजन पाल की तरह, एक बड़ा फोटोग्राफर बनने के लिए मेरे घर में बताया, लेकिन जिस दिन कहा मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
फिर घर में झगड़ा करने के बाद मैंने अपना हिस्सा ले लिया और फोटोग्राफी के लिए सही जगह थी पेरिस, सीधा पेरिस चला गया। पूरे 3 साल वहीं रहा। वहां से आए कुछ ही दिन हुए और अब तुम्हारे सामने। अब तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस बड़ा आदमी बनने के लिए सोच रहा हूँ, बन जाऊंगा। वैसे जल्दी ही ये मदन नंबर वन होगा, मेरा दोस्त नंबर वन होगा, इससे मुझे कितना फक्र होगा पता है? क्यों नहीं, क्योंकि मुझ पे फक्र करने का पूरा हक है। निशा, तुम बिल्कुल वैसी ही हो, तुम्हें कोई बदलाव नहीं है। कलर शायद थोड़ा और निखर गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हारे शरीर के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया। वही चाह। मदन प्लीज, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? एक अच्छे दोस्त की हैसियत के सिवाय मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रही हूँ। हम लोग अब पुराने क्लासमेट्स नहीं है। तुम जो कह रहे हो उन 3 सालों ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव ला दिए हैं। मैं अब किसी की पत्नी हूँ, समाज में मेरी उनके साथ अच्छी मर्यादा है। आज मेरी जितनी प्रेस्टीज है उसमें तुम दखल मत डालना। आई एम सॉरी निशा, मैंने तो यूं ही मजाक किया। अगर इसी तरह मजाक करने की आदत है तो तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और अगर अच्छा दोस्त समझते हो तो कभी भी मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी दोस्त ही रहूंगी। डेफिनेटली निशा। निशा। हाय मदन। कम से कम अब तो घर का रास्ता मालूम पड़ा। मैं थोड़ा बिजी था। ये है मेरे हस्बैंड अरविंद। मैं अपने एक पुराने कॉलेज फ्रेंड मदन से मिली थी, बताया था ना, वो यही है। मदन बैठो। थैंक यू सर। निशा ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है। हाँ। एक फोटोग्राफर हो ना? यस। मदन तुमने इस काम को कैसे चुना? इट्स अ नाइस जॉब। केवल यही नहीं, हाथ में एक अच्छा हुनर हो तो लोगों के सामने जाके काम की भीख मांगने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। पता है मदन को फोटोग्राफी बहुत पसंद है। कॉलेज में जब पढ़ता था तो मदन की खींची तस्वीरें बहुत अच्छी रहती थी। मैं अभी यहाँ आया हूँ बहुत ही खास काम के लिए। मेरे नए स्टूडियो का उद्घाटन अगले हफ्ते है, जरूर आना होगा। मैं और अरविंद दोनों जरूर आएंगे, है ना अरविंद? अगले हफ्ते कौन से दिन? क्योंकि 24 तारीख को मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, 27 तारीख को ही लौटूंगा, उसके बाद फ्री हूँ। 25 तारीख को उद्घाटन है, उस दिन तो मैं बेंगलोर में होऊंगा। मुझे काफी दुख होगा क्योंकि कहने के लिए अच्छे दोस्त मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है। डोंट वरी मदन, निशा तुम्हारे फंक्शन में जरूर आएगी, मैं उसके बाद फिर कभी आ जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निशा। मदन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे अकेली को यहाँ बुलाकर अपने स्टूडियो का उद्घाटन करा दिया। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई खास फंक्शन होने वाला था ना, लेकिन यहाँ पर तो एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा। इस तरह का फंक्शन भी होता है ये मैंने आज पहली बार देखा। यही है मदन स्टाइल, आज मेरी गेस्ट सिर्फ तुम हो निशा। तुम्हारा यहाँ होना ही काफी है, मेरे सारे दोस्त यहाँ आने के बराबर है। मेरी हर चीज का अलग अंदाज होता मालूम है ना? इस तरह अलग अंदाज है बोलकर आखिर में कैमरे में रील डाले बिना ही फोटो मत निकालना। पियो। निशा मुझे छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद? मेरे स्टूडियो में पहला फोटो तुम्हें खिंचवाना होगा। नहीं मदन, फोटो वोटो नहीं। प्लीज निशा, सिर्फ एक फोटो मेरी खातिर। नहीं तो मेरे पहुंचने तक सब बेकार हो जाता। अच्छे इंसान है।
यहाँ से आपका ऑफिस तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा ना? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे थे। अगर यहाँ आपको किसी ने देख लिया तो? सुनो इंदु, इस तरह सोचना बंद करो। चाहे कुछ भी हो जाए, अब पूरे 4 दिन में यहीं पर रहूंगा। मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। कल मैंने वहाँ स्टूडियो में कोल्ड ड्रिंक्स पी थी, बस इतना ही मुझे याद है। उसके बाद वहाँ क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होने वाला है। तुम क्या बोल रहे हो? हमारी जिंदगी में कभी कभी जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है, इसीलिए आज तुम्हारी जिंदगी में भी एक बदलाव आने वाला है। आज तुम्हारी ऑफिस में आए कोरियर कवर्स में पर्सनल एक कवर होगा, उसे देख लेना, दोबारा फोन करूंगा। एंटनी, आज जो कुरियर आया है उनमें पर्सनल नाम से कोई कुरियर आया हो तो जरा उसे ले आ। जी मैडम। ये लीजिए मैडम। ठीक है, तुम जाओ। नो निशा, नो, ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हारे खूबसूरत फोटोज खींचे, उसकी सराहना करो। मदन, तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना। हाँ, ये हुई ना बात, छोटा सा बिजनेस है। निशा, मैंने तुम्हें बहुत चाहा, तुम ही मेरे ख्वाबों में थी, जिंदगी भर साथ जीने का सपना देखा था मैंने। वो तो अब होगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले तुम एक दिन पूरी सहमति के साथ मेरे साथ रहो। इस हाथ दो साथ लो, बस इतनी सी बात है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी ऐसे सोचने की हिम्मत भी कैसी हुई मदन? तुम तो जानते हो ना, मैं अपने अरविंद को कितना चाहती हूँ। उन्हें धोखा देकर मैं किसी के साथ एक सांस भी नहीं बांट सकती। और तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकता निशा, नहीं जी सकता। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, क्या यही मेरी गलती थी? नहीं निशा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं तो अपने स्टूडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, मगर तुम्हारी सहमति के बिना मैंने तुम्हें छूना नहीं चाहा, इसलिए छोड़ दिया। You bloody, you cheat, what the hell you're talking? फिर चिल्लाने लगी, मैं भी इंग्लिश जानता हूं। बेकार में टेंशन मत हो निशा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें नुकसान क्या है? फिर भी तुम इस बात को इतना बढ़ा रही हो, हम दोनों आराम से कोई हल निकालेंगे, इसमें गलत कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जल्दबाजी ना करो, टाइम लेकर सोच कर जवाब देना। मैं चलता हूं। अब आप कब आएंगे? ये हफ्ते तो मैं बिजी रहूंगा, शायद इसी हफ्ते मेज का काम शुरू हो जाए, उसके लिए कुछ पेपर वर्क पूरा करना होगा। ठीक है, यानी ये पूरा हफ्ता
मुझसे मिलने नहीं आएंगी। ऐसा मैंने थोड़ी बोला है, कैसे भी टाइम निकाल कर मैं यहाँ आऊंगा। बस तुम रात में मुझे ज्यादा फोन मत करना। तुम्हारे पतिदेव की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, खुद ही देख लो। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई, बच्चों को स्कूल छोड़ना था। राजन आपसे तुम मत आना। मैडम ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे लेट नहीं आऊंगा। आपसे तुम नौकरी पर ही मत आना ये बोल रही हूँ। क्यों मैडम, मुझसे क्या गलती हुई? तुम्हें यहाँ नौकरी दी गई थी अरविंद के ड्राइवर की, उसकी पीए की नहीं, समझ गए? उसके लिए दूसरा आदमी रख लिया है, जिसे जो काम दे उसे वही करना चाहिए। पर तुम तो कई काम संभालने लगे, इसीलिए अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन मैडम मैं जानबूझकर। गेट आउट। क्या हुआ निशा, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई? ये कौन है बोलो अरविंद, कौन है ये? ओह ये तो इंदू है। तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? मतलब मैंने जो कुछ सुना वो सब सच है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब से हमारी शादी हुई उस दिन से लेकर एक पल के लिए भी मैंने तुम्हें नहीं चाहा है तो बोलो, आज तक कभी मैंने इस प्यार में कोई कमी की है? कभी भूल से भी मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे दिल पर क्या गुजरेगी कभी सोचा है? ओहो ये क्या निशा, इस तरह क्यों बात कर रही हो? मेरे बारे में तुम क्या सोच रही हो? ये और कोई नहीं मेरे एक पुराने दोस्त सुरेश की बहन है इंदु। सुरेश के गांव में अचानक मौत हो गई, बेचारी इंदु एकदम अकेली पड़ गई। उसे कोई मदद चाहिए होती है तो मुझसे पूछती है, इसीलिए दो तीन बार उसके घर जाना पड़ा। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? मेरे साथ जब तुम हो तो मैं इस तरह कभी किसी के पीछे जाऊंगा ऐसा सोचती हो? इस फोटो में ऐसा क्या है, मैं इंदु के साथ में खड़ा हूं। इसके अलावा मेरा इंदु के साथ कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हें धोखा देने के लिए जरूर किसी ने नाटक किया है। सुनो निशा, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। सोचा था ना, मैं आज तुम्हारे घर गया था। निशा के हाथ में मेरा और इंदु का फोटो देखकर ही मैं समझ गया था कि इसका कारण सिर्फ तुम ही हो सकते हो। उन फोटो के अलावा और तुम्हारे पास क्या क्या है ये देखने के लिए वहां गया था, लेकिन वहां पर उससे भी घिनौने कुछ और फोटो देखे, अपनी पत्नी के। सर वो मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, वैसे भी कोई भी लड़की अपनी सहमति के बिना इतने खूबसूरत अपने फोटो नहीं खिंचवा सकती है, पर जिसने वो फोटो खींचे हैं उसे दाद देनी पड़ेगी, यही मेरी पॉलिसी है। वैसे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, जाहिर अच्छा तो नहीं होगा, दैट्स श्योर। उद्देश्य जान गया तो हम बाकी की बात कर सकते हैं,
वैसी बात नहीं है सर, मुझसे गलती हो गई। गलती हुई? बी फ्रैंक मदन, बोलो। वो स्टेज दिखाकर ब्लैकमेल करके निशा के पास से पैसे ऐंठने थे ना, या फिर निशा के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोई बड़ा हाथ मारने का इरादा है? ऐसा कुछ नहीं सर। अगर ये भी नहीं तो फिर कौन सा उद्देश्य है तुम्हारा? निशा तो कॉलेज फ्रेंड थी ना, तब की इच्छा शायद अब जाग गई हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मदन, निशा को ब्लैकमेल करके अगर तुम सोचते हो कुछ मिल जाएगा तो वो नहीं होगा। तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, इस तरह से मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ। बोलो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई। जिंदगी भर कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। डोंट बी नर्वस मदन, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मुझे क्या करना होगा? मेरी पत्नी निशा को तुम्हें मारना होगा। क्यों मदन, तुमने सोचा भी नहीं था ना? यस, शी हैज टू डाई, उसे मरना होगा। मेरे लिए तुम्हें यह करना होगा। नो, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 3 लाख रुपए दूंगा। आप ये क्या बोल रहे, मैंने ऐसी कोई आदत नहीं है। आदत बनती नहीं है, बनाई जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। इतने रुपए कमाने के लिए तुम्हारे कितने साल बीत जाएंगे जरा सोच कर देखो। लेकिन किसी का खून करना? तुम डरो मत मदन, ये काम करने के लिए सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। क्या बात? हादसा हुआ। वैसे थाने में फोन आया था कि निशा मैडम का कोई खून करने वाला है, तुरंत हम यहाँ आ पहुंचे। उसके फोन में हकीकत थी, वाकई किसी ने मारने की कोशिश की। हमारे पहुंचने से पहले वो पहुंच गया, मैडम को मारने की कोशिश की। अपनी सुरक्षा के लिए मैडम ने बॉटल से उस आदमी पर हमला किया, लेकिन बाई मिस्टेक ही सही वो आदमी मर गया। शी इज टोटली अपसेट। रो मत निशा, कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये आपका ड्राइवर था ना? सर,
क्या हुआ सर? उस ड्राइवर की लाश देखने पर बहुत घबरा गए होंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसी जगह पर शायद मैं मरा पड़ा होता, ऐसा मुझे लगता है। राजन? हाँ, वो हमारे बीच में कैसा, यही ना, निशा का खून करने के लिए जब मैं प्लान बना रहा था, मैं एक बार में शराब पी रहा था वहीं पर, वो राजन मिला, उसके मन में तुम लोगों के लिए जहर भरा था, उसी वक्त मैंने थोड़ा और जहर भर दिया। मैंने उसे 1,00,000 रुपए देने का वादा किया, पैसे की बात सुनते ही वो निशा का खून करने के लिए मान गया। खैर सब छोड़ो, ड्राइवर राजन को मैंने भेजा, लेकिन ठीक उसी समय वहां पुलिस कैसे पहुंची? पुलिस? मुझे क्या पता? मेरे पास डबल गेम नहीं, एक फोटोग्राफर के दिमाग में लेंस की तरह बहुत शार्प होता है। हादसे के ठीक 10 मिनट में तुम्हारे घर पर पुलिस थी, तो यह हादसा होने से पहले निशा को फोन करने का सवाल ही नहीं होता, और इस बारे में जानने वाला बचा एक ही, वो तुम हो। मैं कुछ नहीं जानता मदन, सच मैं नहीं जानता। तुम सब जानते हो, मैं अगर आज निशा को मारने जाता तो मेरे घर से निकलते ही पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती। मदन तुम ये क्या बोल रहे हो? देखो मिस्टर अरविंद, मैं कोई झुमरी तलैया का भोला बाबू नहीं, तुमने जब ये बात मुझसे कही तभी मुझे एहसास हो गया था कि इसमें जरूर कोई चाल है, इसलिए हमें डील बदलनी होगी। देखो अभी जो हादसा हुआ है इसकी खबर आग की तरह फैल गई, तुम्हारी निशा की कीमत हमने शायद बहुत कम लगाई, इसलिए पूरे 25,00,000 चाहिए। निशा को मैं मार दूंगा? नहीं, अब तुम इस झमेले में अपना हाथ नहीं डालोगे। नहीं। अच्छा, वो कैसे? ए डील इज ए डील, उसे मरना होगा, शी हैज टू डाई। अब उसे कैसे मरना है इसका फैसला मैं करूंगा। इस तरह डबल क्रॉसिंग करना छोड़ के तुम जरा सही ढंग से पेश आओ, और फिर मैंने जो कहा 25,00,000 इंतजाम करो। क्यों? मुझे जरा सोचने दो। सोचने का मतलब होता है मानने के बराबर। हाँ एक और बात, अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों रे, तेरे अच्छे दिन आ गए। मेरी दौलत से ऐश करेगा? तूने क्या समझा था? तुझे गुंडा बनाया मैंने, लेकिन मैं पैदाइशी गुंडा हूं, समझ गया? मैंने जो भी बोला वो सब तू रिकॉर्ड करके सुनाएगा। अब तेरी लाश को कैसे ठिकाना लगाना इसका मैं फैसला करूंगा। क्या हुआ? तुम्हारी मैडम मेरे बारे में अपने आप को क्या समझती है? अरविंद की दौलत की लालच में मैंने प्यार नहीं किया, मुझे किसी की कोई दौलत नहीं चाहिए, मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ। प्लीज ये ले लो, तुम्हारे नाम पर इस घर का रजिस्ट्रेशन और 5,00,000 रुपए का चेक है। मुझे नहीं चाहिए, दफा हो जाओ। ये रुपए दौलत देखकर तुम्हारे मैडम के कहे मुताबिक मैं डांस करूंगी सोचते हो? उनकी ऐसी हरकतों पर अरविंद की तरफ मेरी चाहत और भी बढ़ती जाती है। ये ले जाके अपनी मैडम को ही दे दो। मैं कुछ नहीं जानता मैडम, ये आपको देने के लिए मुझे भेजा था, मैं लेकर आया हूँ, आदेश का पालन करना मेरा काम है, वापस देना या नहीं देना आपकी मर्जी, ये लीजिए। हेलो हेलो निशा, मैं मदन। हेलो, क्या चाहते हो मदन? निशा, मेहरबानी करके
फोन मत काटना, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। मैं अपनी मौत से लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर चाकू से हमला हुआ है। निशा प्लीज, मैंने तुमसे जो धोखा किया उसकी सजा मुझे मिल गई। अब बस कुछ ही देर मैं और जी सकूंगा, उससे पहले मैं तुमसे सारी हकीकत बताना चाहता हूँ। निशा निशा, तुम्हारा पति एक खूनी है। मदन! मैंने तुम्हारे साथ कौन सा विश्वासघात किया बोलो? अपनी जान से भी ज्यादा मैंने तुम्हें चाहा है, और शाहत का मुझे यही तोहफा देने वाले हो। तुम मुझे मानना चाहते हो ना? निशा शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम अब कुछ मत कहना, तुम्हारी किसी भी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। मदन ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। निशा प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारा खून करने का मैं प्लान बनाऊंगा? उस मदन ने तुम्हें बहकाने के लिए ये सब बोला होगा। नहीं, मेरे पास मत आना। मदन ने जो कुछ भी बोला है सच है। तुम एक राक्षस हो, क्या मदन का तुमने खून नहीं किया? अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मुझे मारने के लिए तुमने कैसे कैसे प्लान बनाए, मदन ने सब रिकॉर्ड करके रखा है। वो कहाँ है वो जगह भी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। ओहो, उसने इतना सब बोल दिया है। इसके बाद भी मैं कोई बहाना बनाऊं तो ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें बेकार में टेप रिकॉर्डर लाने की क्या जरूरत है? मदन ने जो कुछ कहा वो सच है। मैंने ही तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने मिनिस्टर का काम हाथ में लिया, तब मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। उसी की सजा है ये। हमारी इस जायदाद का अकेला मैं ही वारिस बनूंगा। यू चीट, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम इतने दिनों तक जिंदा रही, ये मेरी गलती। अपने दोस्त मदन के साथ जब तुम भी ऊपर जाना चाहती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। इसका फैसला तुम कैसे कर सकती हो? मुझे इसी बात का दुख है कि मुझे यह काम अपने हाथों से करना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं। ब्लडी ऑब्लिगेशन। मगर तुम खुद ही मरने के लिए तैयार हो गई। अभी तक मेरा साथ दिया, शुक्रिया। अब इस घर की पूरी जायदाद सिर्फ अरविंद की होगी। चोली आज खत्म हो गई। मैं आज तक जो तुम्हारे साथ रही, तुम्हें चाहा,
तुम्हें बड़ा बनाने वाली अपनी पत्नी को ही इतनी बेरहमी से तुमने खून करने की कोशिश की। मुझ जैसी लड़की तुम्हारा खून करने के लिए एक पल भी नहीं सोचेगी। तुम्हारे जैसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। गुड बाय अरविंद।